बड़ी खबर आई दिल्ली में एक कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग से जुड़ी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने फायरिंग करवाने वाले मास्टरमाइंड को दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नरेंद्र यादव बताया गया जो यूपी के कानपुर का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि आरोपी नरेंद्र के इशारे पर ही करीब एक महीने पहले 30 नवंबर को दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर पर फायरिंग की गई थी। उस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था और उस वीडियो में बाइक सवार दो बदमाश कारोबारी के घर पर गोली चलाकर फरार होते दिखाई दिए थे। और इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी क्योंकि इस वारदात को रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने करीब एक महीने बाद इस वारदात के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस का दावा है कि नरेंद्र यादव के इशारे पर ही दो बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में एक बदमाश दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले कारोबारी गौरव त्यागी के घर के अंदर पिस्तौल से गोली चलाता नजर आया। ये वीडियो पिछले महीने की 30 तारीख का बताया गया। पुलिस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें दोपहर के वक्त एक बाइक पर सवार होकर दो बदमाश कारोबारी के घर के सामने पहुंचे। तभी बाइक पर पीछे बैठा एक बदमाश नीचे उतरा और फिर दौड़ते हुए कारोबारी के मकान के दरवाजे पर पहुंच गया। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था। वहां पहुंचने के बाद उस बदमाश ने पिस्तौल से घर के अंदर गोली दाग दी। फायरिंग करने के बाद वो बदमाश अगले ही पल वहां से भाग निकला। वो दौड़ते हुए अपने साथी के पास पहुंचा और फिर दोनों किसी के कुछ भी समझने से पहले वहां से फरार हो गए। हालांकि करीब एक महीने बाद पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड नरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस वारदात को अंजाम देने का मकसद कारोबारी को डराना और उससे पैसों की उगाही करना था, क्योंकि जांच के दौरान ये बात सामने आई कि फायरिंग करने वाले बदमाशों ने उस कारोबारी से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। और इसके लिए गोली चलाने वाले बदमाश ने कारोबारी के घर में एक पर्ची भी फेंकी थी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले दोनों बदमाश नाबालिग हैं और उन्होंने पैसों के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि उनका मकसद बिल्डिंग मटेरियल यानी निर्माण से जुड़ा सामान सप्लाई करने वाले कारोबारी गौरव त्यागी से पैसों की अवैध वसूली करना था। इसी वजह से 30 नवंबर के इस वीडियो में गोली चलाने से पहले बदमाश कारोबारी के घर के अंदर एक पर्ची फेंकता नजर आया। पुलिस के मुताबिक उस पर्ची पर कारोबारी से लाखों रुपए की डिमांड की गई थी। उसमें एक्सटॉर्शन की पर्ची भी फेंकी गई थी जिसमें गोगी गैंग के नाम से 50 लाख रुपए डिमांड किए गए थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। फौरन मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने इस वारदात में शामिल दोनों नाबालिग बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। और सूत्रों का दावा है कि उन दोनों नाबालिग बदमाशों ने पुलिस के सामने वारदात से जुड़ा हर एक राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने कारोबारी गौरव त्यागी से पैसे निकलवाने के लिए गोगी गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था। जबकि सूत्रों का दावा है कि इस वारदात में शामिल बदमाशों का गोगी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव को ये बात अच्छी तरह पता थी कि कारोबारी गौरव त्यागी से पैसा निकलवाना आसान काम नहीं है, इसलिए उसने वसूली के लिए गोगी गैंग का नाम इस्तेमाल किया था ताकि डर की वजह से कारोबारी उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। ये वही गोगी गैंग है जिसके गुर्गू ने इसी साल दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूत्रों का दावा है कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दोनों नाबालिग बदमाशों को पैसों का लालच दिया था और उन्हें अपनी इस साजिश में शामिल कर लिया था। कारोबारी को डराने के लिए उसने दोनों नाबालिगों से उनके घर पर गोली चलवाई और फिर पर्ची फेंक कर उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि पुलिस ने एक महीने के अंदर गोली चलाने वाले दोनों बदमाशों के साथ साथ साजिश रचने वाले नरेंद्र यादव को भी दिल्ली के नजदीक नोएडा से गिरफ्तार कर लिया।
और पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपी नरेंद्र यादव ने दुबई के नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को धमकी भरे मैसेज भेजकर उनसे पैसों की मांग की थी। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आरोपी नरेंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है और उस पर दिल्ली के रानी बाग इलाके में पहले से ही एक केस दर्ज है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी नरेंद्र यादव ने कारोबारी के घर पर गोली चलाने वाले और उसके पीछे की पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में उसने बताया कि वो पहले दुबई में नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसने वहाँ लैपटॉप का कारोबार शुरू कर दिया था। इसका आना जाना दुबई में रेगुलर है और ये दुबई में लैपटॉप ट्रेडिंग का काम करता था। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में आरोपी नरेंद्र ने ये भी बताया कि उसे अपने एक दोस्त से मुंबई का नंबर हासिल किया था और वो उसी नंबर से लोगों को दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। उसी दौरान उसने उसी नंबर से कारोबारी गौरव त्यागी को भी कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे और उनसे गोगी गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। बाद में डराने के इरादे से उसने दो नाबालिग लड़कों की मदद से उनके घर पर गोलियां चलवाई थी।